नमस्कार, स्वागत है आपका नाउ नोएडा के इस बेहद खास पेशकश में। मैं हूं मुस्कान ओझा और बात करेंगे इस पूरे सियासी संग्राम के बारे में। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की जो मतगणना है वो चल रही है। अब तक की सभी 543 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 291 सीटों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही विपक्षी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो 231 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं वो 22 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोपहर का समय है और फिलहाल एक जो बड़ी खबर सामने आई है, जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो ये है कि गांधीनगर से अमित शाह ने अपने जीत का परचम लहरा दिया है। अब देखिए, अभी तक के जो आंकड़े हैं उससे ये साफ है कि मोदी सरकार का जो 400 पार का जो नारा है उसको कहीं ना कहीं जनता ने ठेंगा दिखा दिया है। खास बात तो ये है कि बीजेपी को अपने ही कई ऐसे गढ़ हैं जहां पर चोट लगी है और जिसका जवाब शायद पार्टी और पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके पास भी नहीं है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से गढ़ हैं जिनको बचाने के लिए बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाई है। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साल 2019 में लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थी। माना जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सियासी हैट्रिक लगाने में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली थी। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत पतली नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में चुनाव में सपा सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ऐसे में इन रुझानों में यूपी में सपा की वापसी नजर आने लगी है। इसके अलावा कांग्रेस ने 6 और आरएलडी ने 2 सीटों पर अपनी जो बढ़त है वो बना रखी है। बीजेपी का जो गढ़ कहा जाता है बिहार, वहां के भी जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा रोमांचक नजर नहीं आ रहे हैं। रुझानों में बीजेपी ने 9 सीटों पर बढ़त बना रखी है, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यहां से 17 सीट अपने नाम करी थी। जेडीयू 12, एलजेपी 5, आरजेडी 3 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में चल रही जो अंदरूनी कला है उसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है और ये चीज साफ देखी जा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 25 में से 24 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार फिलहाल 13 सीट पर ही आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर बढ़त जो है अपनी वो बना रखी है। इसके अलावा 3 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को जनता की नाराजगी से काफी ज्यादा जूझना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ शिवसेना और एनसीपी में जो पूरी तोड़फोड़ हुई है उसका कहीं ना कहीं जनता को ठेस पहुंचा है और जनता ने मन बीजेपी से हटा लिया है। यही वजह है कि अब तक के रुझान में राज्य की 48 में से 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं 10 पर कांग्रेस, 10 पर शिवसेना उद्धव, 7 सीटों पर एनसीपी शरद पवार और 6 सीटों पर शिवसेना गुट ने बढ़त बना रखी है। 2019 में चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी पार्टी है यहां दमखम दिखाई देगी और दीदी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी को पटकनी दे देगी। अब तक के रुझान के हिसाब से यहां टीएमसी 23 सीटों से जो है वो आगे चल रही है, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 9 सीटों पर बढ़त बना रखी है। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नाउ नोएडा।